दोस्तों बिग बॉस ओटीटी की लाइव फीड में घर के अंदर इस समय मनीषा रानी और जिया शंकर के बीच काफी तीखी बहसबाजी देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों मनीषा से घर के एक नियम का उल्लंघन हो गया और इसी के चलते जिया शंकर यहां पर मनीषा को डांटते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मनीषा रानी अपने दोस्त फुकरा इंसान के साथ में बैठकर बातचीत कर रही थी और इसी दौरान यहां पर जो है मनीषा रानी का जो माइक है वो उनके कपड़ों के नीचे दब गया था, जिसके चलते बिग बॉस को लगा कि शायद ये लोग फुसफुसाकर बात कर रहे हैं और बिग बॉस ने यहां पर मनीषा की फटकार लगाते हुए घर के अंदर अनाउंसमेंट कर दी कि माइक को ठीक तरीके से पहनिए और फुसफुसाकर बात मत कीजिए। और दोस्तों घर की कैप्टन यानी कि जिया शंकर ने जब ये बिग बॉस के अनाउंसमेंट सुनी तो तुरंत ही वो मनीषा रानी के पास आ गई और उसे डांटने लगी कि माइक सही से पहन ले यार, क्या फुसफुसा के बात कर रही है, ऐसी क्या इतनी जरूरी बात हो गई। जिस पर दोस्तों मनीषा रानी ने भी साफ तौर पर सच सच बता दिया कि यार मैं तो कोई फुसफुसा कर बात नहीं कर रही थी, मैं तो बिल्कुल आराम से बात कर रही थी, हो सकता है मेरा माइक कपड़ों के नीचे दब गया। लेकिन जिया इसके बावजूद मनीषा रानी पर ये आरोप लगा रही है कि नहीं तुम तो जानबूझकर बात कर रही हो, कुछ फुसफुसा कर बात कर रही हो, बताओ आखिर ऐसी क्या बात है। और यहाँ पर जो फुकरा इंसान है वो कहीं ना कहीं मनीषा को भी कह रहे हैं कि तू अपना माइक ठीक कर ले, बात खत्म। फिलहाल दोस्तों आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या है कहना, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।